वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तनु तनु बोलो हेलो। और यहाँ पे चल रही है बच्चों की लड़ाई। टीवी एक, देखने वाले तीन। छोटी बना रही हो क्या दक्षिता? तनु अभी बज रहे हैं सुबह के 9। हम सब लोग सो के उठ गए हैं। रात में 2 बजे तक हमने देखी मूवी और इसीलिए सुबह लेट उठे हैं सो करके। अब जा रहे हैं नाश्ता करने। हालू हाँ, कांतारा मूवी देखी थी हमने लास्ट व्लॉग में, आपने देखा होगा। ये व्लॉग पता नहीं कब जाएगा, आजकल टाइम से ना मैं एडिट कर पा रही हूँ ना पोस्ट कर पा रही हूँ। तो कांतारा मैं देख नहीं पाई थी, इन बहुत लोगों से सुना था बहुत अच्छी मूवी है, तो सच में बहुत अच्छी मूवी लगी मुझे भी। रात में 2 बजे तक मैंने मूवी देखी, तब मैं जा करके सोई थी। हमारा नाश्ता बन गया है, गर्मा गर्म चाय और पोहा। बस नाश्ता वाश्ता करने के बाद हमने थोड़ी मस्ती की, बैठ के ऐसे ही गपशप की। उसके बाद से फटाफट से नहा धो करके हो गए थे रेडी और आई थिंक अभी 1 बज गए थे। हाँ, आज है क्रिसमस, आप सभी को मैरी क्रिसमस। वैसे ये व्लॉग बहुत लेट पोस्ट हो रहा है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे आप सब? तो मौसी भी रेडी होगी, मैं भी रेडी होगी और तनु तो बस डायपर और पैंट पहनी है। मैं भी लिप ग्लॉस बिंदी लगाई हूँ। तनु बदमाशी कर रही है, पीछे दिखाती है उसके। देखिए तनु तो ऐसी है, रेडी नहीं होती। तनु मौसा चलेंगे, पापा चलेंगे तुम्हारे। तो गाइस मम्मा भी रेडी होगी। मेरे देखो 3 टी शर्ट पहनी हो, तो मैं उसी हटने को गई थी। तो तुम हट गई, उसी हटने को बोली थी मैं, हट गई। ये पूरा हाय करो। हाय तनु, हाय करो तनु, हाय हाय करो तनु। शीशा लेके घूमती। तो गाइस एक ही आज की वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब टू द माय चैनल। तनु हम कहाँ जा रहे हैं? घूमी 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 जा रहे हैं। तनु को फैशन भी करना है। मम्मा आ रही है। तनु को फैशन भी करना है, बाल में क्लिप भी लगानी है और रोना भी है, एक साथ सारे काम। जूता नीचे, जूता नीचे कर पागल। न्यू पापा लाए, न्यू पापा लाए हैं। चलो इधर देखना, लगा के दिखा दो मुझे जरा। लो ठीक है, तोड़ दो फोटी, फिर भी लेगा नहीं। तनु बुला के लाओ, दक्षु जल्दी जाओ वहाँ बुला के लाओ। क्या हुआ तनु? हेलो करो। हेलो क्या
कैब नहीं बुक हो रही थी। बहुत मुश्किल से 4-5 कैब कैंसिल करने के बाद हमारी एक कैब बुक हुई। हम निकले 2:30 बजे घर से और पहुंच गए थे आधे घंटे में। बहुत ज़्यादा दूर नहीं था तो पहुंच गए थे आधे घंटे में लुलू मॉल बेंगलोर के। और मैंने फर्स्ट टाइम इतना बड़ा मॉल देखा है, मतलब मैंने सुना था बस, लेकिन अभी तक कभी देखा नहीं था। तो वाकई में बहुत बड़ा मॉल है भाई ये, मतलब पता ही नहीं चल रहा था किधर से किधर जाएं। और आज क्रिसमस था तो इस वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ भी थी। तो बस अभी हम लोग पहुँच गए हैं, अब चलते हैं अंदर। तो अंदर का नज़ारा कुछ ऐसा है, क्रिसमस था तो क्रिसमस की थोड़ी डेकोरेशन हो रखी थी। भीड़ देख करके हमारा दिमाग घूम गया था। और ये भैया जी हवा में लटके हुए थे तो हम सब ने यहाँ पे फोटो क्लिक कराई। इसके बाद से अपना अंदर आए और पता है आरुष आया ही नहीं था, वो अपने चाचू के यहाँ चला गया था। उसको कंप्यूटर पे गेम खेलने में ज़्यादा इंटरेस्ट था मॉल में आने से ज़्यादा। और बच्चे, ये दोनों बच्चियाँ अलग परेशान कर रही थी। तनु मतलब जगह जगह बैठ जा रही थी ऐसे ही ज़मीन पर, और उसको देखा देखी दक्षिता भी बैठ जा रही थी। तो मतलब इन दोनों का यही ड्रामा चल रहा था। भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि हमें टेबल नहीं मिल रहा था कि हम कहीं बैठ करके कुछ खाएं पिएं। आधा घंटा वेट करने के बाद फाइनली एक जगह हमें जगह खाली मिली, तब हमने थोड़ा बहुत कुछ पेट पूजा करी। और ये डोनट दक्षिता ने अपने लिए लिया था तो मैंने बस टेस्ट किया था, और लाइफ में पहली बार मैंने डोनट टेस्ट किया था, अच्छा लग रहा था। खैर उसके अलावा आया था ये नूडल्स था, चाउमीन और छोले भटूरे थे, बर्गर और मैंगो जूस ऑर्डर हो रखा था जिसको आने में टाइम था। तो हमने सोचा चलो तब तक यही हम खाते पीते हैं अपना। और एक चीज़, ये टर्किश आइसक्रीम भी हमने फर्स्ट टाइम ही ट्राई की थी, अभी तक हमने इसका एक्सपीरियंस नहीं किया था। दक्षिता इरिटेट हो गई थी बुरी तरह से, मतलब बार बार वो पकड़ने चल रही थी और वो बंदा जो था आइसक्रीम वाला वो पकड़ने दे नहीं रहा था, तो ये बेचारी परेशान हो गई थी। दक्षिता के बाद तनु ने भी ट्राई किया था और पता है क्या, तनु ने पकड़ लिया था। ये देखिए मतलब इतनी तेज़ है ना ये कि क्या कोई बताए, मतलब इसने तुरंत पकड़ लिया। इसको ज़रा सा टाइम लगा और दक्षिता, मतलब 10-15 मिनट दक्षिता परेशान थी और मेरे साथ भी सेम सिचुएशन थी, मैं भी नहीं पकड़ पाई थी। तो कुछ ऐसा था हमारा क्रिसमस का दिन, हमने कुछ इस तरह से इंजॉय किया था। इसके बाद से हम गए गेम पार्लर की बच्चों को थोड़ा गेम वगैरह खिला देते हैं, पर वहाँ पे ऐसी लंबी लाइन लगी पड़ी थी कि वहाँ पे जाने का कोई मतलब नहीं बनता। मतलब हमें लेट होता सो अलग, और नंबर भी नहीं जल्दी आता, तो इसलिए हम लोग अपना आइसक्रीम वगैरह खा करके फिर यहाँ से निकल पड़े थे। और तनु मैडम जगह जगह बैठ जा रही थी। एक ये डेकोरेशन पता नहीं किस फ्लोर पे थी, मतलब पूरा एक्सप्लोर करने के लिए यहाँ पे ऐसे आओ तब समझ में आएगा, क्योंकि ये मॉल इतना ज़्यादा बड़ा है ना, यहाँ पे टाइम लेके आओ तब समझ में आएगा। तनु ने खूब परेशान किया सबको, जगह जगह बैठ जा रही थी, उठ ही नहीं रही थी। मतलब उसको पता नहीं घर नहीं जाने का मन था कि क्या, जगह जगह उसको धरना देने का मन कर रहा था, बैठ जा रही थी बार बार। घर चलो, घर चलो। बस किसी तरह इसको उठा करके फिर हम लोग
निकले घर जाने के लिए, 5:30 हो गए थे। और ये है पूरे मॉल का व्यू, इतना बड़ा सा। फिर घर आए हम लोग, थोड़ी देर के लिए सो गए थे, फिर 7 बजे सो करके उठे, तब चाय पी हमने और कुछ फिर से स्नैक्स वगैरह। शालू फ्राई कर रही थी, मैं वीडियो बना रही थी। बस कुछ ऐसा था क्रिसमस वाला दिन हमारा। हम खूब घूमे फिरे, इंजॉय किया और साथ के साथ बहुत थक भी गए थे। तो बस उसके बाद से घर पे आए, अपना चाय वाय पिया और बस इसी के साथ इस ब्लॉग को ही एंड करने का टाइम आ गया है। इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।